आप लोग हमारा बुक किया हुआ स्वीट हमसे बिना पूछे किसी और को कैसे दे सकते हैं? स्वीट तो आपकी तरफ से ही कैंसिल हुआ था। मैं अपना ही बुक किया हुआ स्वीट कैंसिल करूंगा और फिर यहाँ आके उसकी चाबी मांगूंगा। आपको मैं पागल लगता हूँ? यस सर, आई मीन नो सर, पर देखिए ना सर, स्वीट तो आपकी तरफ से ही कैंसिल हुआ था। कैन यू बिलीव दिस? नो आई कांट। देखिए, हमें किसी भी हाल में हमारा स्वीट चाहिए। मैडम, वो तो हमने किसी दूसरे को अलॉट कर दिया। हाँ, लेकिन एक डीलक्स रूम है, आप कहें तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या करना है? क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आप वही दे दीजिए। चलिए, मैं खुद आपके साथ चलता हूँ। बिल वो है सर का सामान। चलिए, आइए सर। आइए। ये कमरा हमारे साथ साथ किसी और का भी हनीमून खराब कर दिया इन्होंने। अब किसी और का कमरा हमें दे रहे हैं आप? बताइए क्या हुआ, तुम आज क्यों रही हो? एक्चुअली मैडम ने दो घंटे पहले फोन किया था, उन्होंने ही ये सब करवाया। तुमने? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। शाह जी, नॉट बैड सरप्राइज। ये सब तुमने किया? सीरियसली? तुम्हें क्या लगा प्रैंक्स खेलना, सरप्राइज देना सिर्फ तुम्हें ही आता है? मैंने अभी तक कोई प्रैंक नहीं खेला है रजनी। अच्छा, तो वो सब क्या था? रजनी, मुझे एक बच्चा दिखा है जिसने हमें रास्ता दिखाया। रजनी, मैं सीरियस था। आई वाज सीरियस। ओह रियली? रजनी, मैं सच कह रहा हूँ कि वो प्रैंक नहीं था। तो फिर ये भी प्रैंक नहीं है? तुम समझ नहीं रही हो। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, वो सब रहने दो कृष, ये प्रैंक नहीं है, सिर्फ मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैंने जो कुछ भी बुरा किया तुम्हारे साथ उसे ठीक करने की। तुम पागल हो, पागल, बिल्कुल पागल। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि पुरानी बुरी यादों को भूल जाओ। मैं नहीं भूल पा रही हूँ कृष, इसलिए जहां तक हो सके उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इज दैट सो? ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। आई सी, हमें तो पता ही नहीं था। अगर ऐसा है तो और कितने सरप्राइजेस छुपा के रखे हैं आपने हमारे लिए? वो तो आपको शाम को ही पता चलेगा। शाम को? अभी टाइम देखो, शाम तक मैं क्या करूंगा? मुझे क्या पता। बजो यशोदा। बाबू, रूम की सफाई कर रहे थे तो? इतने सालों बाद भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ी है शर्मा, कैसे छोड़ दूं? हमारे लिए जो भी हुआ उसे भूल जाना ही अच्छा है पा। कब तक हम बीते हुए कल में जीते रहे? जो भी हुआ
उसे कबूल करके हमें आगे बढ़ना होगा। इसका मुंह छोड़ना होगा। मुझसे ज्यादा टाइम तुम लगा रहे हो। क्यों नहीं लगा सकता? क्या ब्यूटीफुल लगने का हक सिर्फ आपको है, मुझे नहीं? नहीं नहीं मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? आई एम सीरियस, यू कैन लुक ब्यूटीफुल लेकिन हैंडसम लग सकते हो। Really? अब चले? बताइए अब क्या बॉम्ब फोड़ने वाली हैं? वो तो बाहर जाके ही पता चलेगा। चले? अरे पर रजनी मेरी बात तो सुनो। रजनी यहां तो कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। तुमने यहां क्या सारी टेबल्स बुक करा दी हैं? सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली हमारा रेस्टोरेंट 8:30 पे खुलता है और अभी तो सिर्फ 8 बजा है। आप दोनों के लिए आधा घंटा पहले रेस्टोरेंट खोल दिया। अच्छा, थैंक यू, वेलकम। Not bad. Can I dance with you?
Thank you for this lovely arrangement. Everything for you. अब मुझे बताओ कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है क्रिश, अब मेरी बारी है। अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे किसी धार्मिक स्थल ले चलो। क्या? But before that, बिल ले आइए प्लीज। सर, बिल का पेमेंट तो पहले ही हो चुका है। और सर, अगर आपको धार्मिक स्थल जाना है तो यहाँ के शिवजी के मंदिर जाइए, उसकी बड़ी मान्यता है। लेकिन अब आप कल सुबह ही जा पाएंगे, आज तो बहुत लेट हो गया। एक्चुअली हम से बात कर रहे थे अभी, हमें सर सभी लोग वहाँ जाते हैं, स्पेशली कपल्स तो जरूर जाते हैं और शिव जी के मंदिर में धागा बांधते हैं। सर कहा जाता है कि धागा भले ही टूट जाए लेकिन जोड़ी अटूट रहती है, वो कभी नहीं टूटती। थैंक यू। चलो ना कल चलते हैं। रजनी अगर इतना मजबूत धागा बांधूंगी कि जोड़ी तो क्या, धागा भी कभी नहीं टूटेगा। अगर तुम चाहती हो तो कल सुबह हम सीधे वहां जाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? वो बच्चा रजनी, जिसने हमें शॉर्टकट दिखाया था, वो यही था। ये क्या था? अभी आ गया। अच्छा अच्छा, कुछ और भी दिखा तुम्हें? ये जगह रजनी, कैसा लगता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, वो दुकानें देख रही हूँ, मैं यहाँ भी आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस मंदिर में खेला हूँ। तुम यहाँ पहले खेले हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे साथ पक्का कोई गेम खेल रहे हो। देखो क्रिश, मैं तुम्हारे इन सब प्रैंक्स में नहीं फंसने वाली हूँ। मेरी बात का यकीन करो रजनी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। कैसे यकीन करूँ? अच्छा मुझे बताओ, तुम पहले मुंबई आए हो, खास करके इस जगह आए हो? मैं पहले कभी मुंबई नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ये मंदिर शिव भगवान का, लेकिन अंदर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की सोने की मूर्ति है। मैंने देखी है, मैं दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। यही मंदिर है। रजनी, मंदिर के अंदर जाते ही बीच में एक शिवलिंग है, लेफ्ट में माता की मूर्ति है और राइट में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सोने की मूर्ति है। आओ मेरे साथ। Thank you.
देखा रजनी, मंदिर के बीच में शिवलिंग है। अगर शिवलिंग यहाँ है इसका मतलब कि लेफ्ट में माता की मूर्ति जरूर होगी। तुम आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। इधर ये थी। मैंने कहा था ना माता की मूर्ति यहाँ है, इसका मतलब लाइफ में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है जो सोने की है। मैं सही कह रहा हूँ, तुम आओ मेरे साथ इधर। इधर देखो तुम। ये कैसे हो सकता है? मैंने मूर्ति देखी है। हो गया तुम्हारा प्रैंक खत्म? तुमने तो कहा था सोने की मूर्ति है, जी देख लो, हाँ सोने की मूर्ति। ऐसा कैसे हुआ मैं नहीं जानता रजनी, लेकिन लेकिन वो मूर्ति यहाँ होनी चाहिए थी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब बहुत मजाक हुआ, चलो चलते। तुम मेरी बेटी? बेटी ये सही कह रहे हैं, यहाँ सोने की मूर्ति थी लेकिन अब नहीं है, वो चोरी हो गई। क्या था? सोने की मूर्ति यहाँ पर। देखा, मैं कह रहा था मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं खेलना, कोई गेम नहीं खेलना।